नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ की। तो आप जैसा कि चार्ट में देख रहे होंगे, इसने दो बार स्टॉप को रिजेक्ट कर दिया है। पहली बार इसने बनाया था 25 अप्रैल 2019 को, दूसरी बार इसने बनाया था 27 मई को, और आज उसी की नेकलाइन पर आके इसने क्लोजिंग दी है। दोस्तों, यदि कल ये 942 के ऊपर खुलता है, जैसे कि आज इसने हाई बनाया 945 का, तो यदि ये 945 के ऊपर खुलता है तो ये इस जो ये इसने सब रेजिस्टेंस बना रखा है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चले जाएगा और हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे EMA के ऊपर चल रहा है और ये जो रिजेक्शन इसको मिल रहे हैं, अगर ये या तो कर इसको रिजेक्शन मिलेगा और इसी रिजेक्शन को लेकर ये वापस नीचे की ओर आ जाएगा और इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जब भी गिरा है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है इसने। फाइनली मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बढ़ा करके दिखा देता हूँ, ये कहाँ से बनते हुआ आ रही थी, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ से इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया था और ऊपर आते हुए वापस इस पर इस रेजिस्टेंस जोन को फेस करेगी। हो सकता है कल बजट है, कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आ जाए इस सेक्टर से रिलेटेड, तो ये ऊपर खुले। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, कल बाजार में बजट डे है तो उसकी हलचल रहेगी, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप क्वांटिटी से काम करें और एक टाइप स्टॉप लॉस से काम करें। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।